गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सभी ठीक होंगे। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अभी तक जो डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेररिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है, कि टेररिज्म क्या है और कहाँ से इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, किन किन कंट्रीज़ में जो टेररिज्म है वो देखा जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्यों जल्दी से नहीं निकल पा रहा है, कौन कौन से ऐसे रीज़न है जो उसको बाउंड करके रखे हुए हैं कि आप उसको सक्सेसफुली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपके शस्त्र नियंत्रण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु हथियारों का प्रसार, प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसी के अंदर मैं आपको शस्त्र नियंत्रण के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपके पास क्लासेस ज़्यादा नहीं हैं और डीपली मैं आपको इतना मतलब हर उसके अंदर डीपली आपको इतना उसमें नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर मैं शस्त्र नियंत्रण को आपको डिस्क्राइब करूँ, उसको बताऊँ। साथ ही क्योंकि ये आपकी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है और उसके बाद शायद आपके चार पांच पांच या छह टॉपिक और बचेंगे, तो हर एक टॉपिक को हम एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आपके जो बाकी टॉपिक हैं वो एज वेल कवर हो जाएंगे इजीली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु हथियारों का प्रसार। जैसे कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे हैं कि परमाणु हथियार के प्रसार का मतलब क्या है, परमाणु हथियार क्या है। परमाणु हथियार की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा हथियार होता है, जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था तब मरने वालों की संख्या इसके थ्रू जो होती थी वो कम से कम अगर बात करें तो 300 और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 1000, ठीक है ना। अब पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगी कि क्या सीन था। आपको ये पिक्चर होपफुली साफ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर तीन पिक्चर्स हैं और ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो, ये जो तीसरी पिक्चर है वो परमाणु, बड़ी पिक्चर जो आपको दिख रही है वो परमाणु हथियार की ही है, ठीक है। और ये सेकंड वन ग्रीन कलर में जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये वो कंट्री है जो रेड में शो कर रही है कि इनके पास मतलब परमाणु हथियार था। और ऊपर आप देख रहे हैं जब परमाणु हथियार का यूज किया जाता है तो किस तरह से इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु हथियार की अगर हम बात करें तो पहले मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री या इसका व्यू बता देती हूँ कि क्या था। एक्चुअली हुआ क्या था कि
उस टाइम जर्मनी जो था, एज यू नो वेरी वेल कि जर्मनी और हिटलर और ये नाजी और ये सारी, मतलब ये जो दो कंट्रीज थी, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्चस्व अपने ही कंट्री के अंदर लेके बैठी हुई थी। इनके अगर कोई सुन रहा है तो ठीक है, और नहीं सुन रहा है तो उसको मार दिया जाए। बहुत ही अराजक कंट्री मानी जाती थी कि वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पर एक ही बंदे का शासन चलता था, वो था या तो हिटलर का या मुसोलिनी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनका जो शासन चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब हमें क्या है कि चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। और उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जब ये युद्ध चल रहा था तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जब अमेरिका को पता लगा कि जर्मनी कुछ इस टाइप का काम करने वाला है, वो कुछ परमाणु बम वगैरह बनाने वाला है, तो अगर वो चाहता तो उस टाइम पर मतलब परमाणु बम उस पर गिरा कर वो ये काम कर सकता था, लेकिन उसने इस चीज़ को नहीं किया क्योंकि उसको डर था कि जब तक मैं परमाणु बम गिराऊंगा या बनाऊंगा और इनके ऊपर करूंगा तो उल्टा मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, उनको ये डर सता रहा था कि जो जर्मनी जैसे जो देश थे, अगर ये जीत जाते हैं, परमाणु बम बना लेते हैं, तो बाकी जो कंट्रीज जो थी, बाकी जो कंट्रीज थी वो सारी की सारी अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और जो कंट्रोल में नहीं आएंगे वो खुद ब खुद डर की वजह से इनके पास आ जाएंगे कि जर्मनी, मतलब जर्मनी के पास वेपन है और परमाणु बम जैसी उसके पास पावर है और वो हमें कभी भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें तो उनके बारे में ही सोचना चाहिए और उनको ही फॉलो करना चाहिए, वो इस टाइप की थोड़ी सी कंडीशन उस टाइम पे होने लगी। तो अमेरिका जैसी कंट्री को इस पर लेकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि एक तो जर्मनी है, ऊपर से इसके साथ में जो है वो है रशिया, अब ये रशिया से हेल्प लेंगे, तो इसी चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी अपने परमाणु बम का यूज़ कर ले और रशिया उसकी हेल्प कर दे। तो इस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो हमारा तो जो वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे दो कंट्री ही मुख्य मानी जाती थी इम्पोर्टेंट, एक तो रशिया थी, बोले तो आपका यूएसएसआर, और एक थी आपकी यूएस अमेरिका। यूएसएसआर को सपोर्ट में देख रहे थे कि जर्मनी उसके पास में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी उसकी हेल्प करेगा, वो उसकी हेल्प करेंगे। यूएसएसआर अकेला पड़ रहा था कि अगर जर्मनी ने कुछ इधर उधर कर दिया तो हमारा तो कांड हो जाना है और कुछ नहीं होगा, फिर हम जाएंगे कहाँ, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम सारे तबाह हो जाने और फिर सभी लोग जो हैं वो जर्मनी के अंडर आ जाएंगे, फिर हमें वही करना पड़ेगा जो जर्मनी अभी अपने कंट्री के अंदर अपने नागरिकों के साथ कर रहा है, और हम पूरी तरह से बन जाएंगे। यही डर था। अमेरिका उस टाइम पे शांत बैठा, उसने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, उसने बस एक ही काम करा और वो काम था कि उसने परमाणु बम बनाया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है परमाणु बम बनाने का। तो परमाणु बम की अगर बात करें तो उसका जो उद्घाटन है वो 1945 में अमेरिका के द्वारा किया गया था, क्योंकि उससे पहले ही जो है जर्मनी बना चुका था, लेकिन जर्मनी ने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। और जर्मनी को हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि जो जर्मनी है उसने कभी इसका यूज़ ना करके किसी को ये बताया भी नहीं था कि मैं, मतलब मैं इस तरह से कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन अनाउंसमेंट जो किया और जो पता चला 1945 के अंदर पता लगाया कि हाँ, पहला परमाणु हथियार जो है वो यूज़ किया गया है। ये तो हमें पता है कि हाँ अमेरिका ने बना लिया है और जर्मनी ने बना लिया, लेकिन इसका पता कैसे चला जब उसका यूज़ किया गया। तो सबसे पहले जो परमाणु हथियार का जब सबसे पहले यूज़ हुआ तो वो यूज़ हुआ था मैक्सिकन सिटी के अंदर। मैक्सिको सिटी अमेरिका का ही एक पार्ट है, एक भाग है, वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था। और इसको जब इसका जब परीक्षण किया गया था तो उसका नाम था, मतलब जब अमेरिका ने अपना जो परमाणु बनाया था तो पहले परमाणु का उनका नाम था द गजेट, ठीक है ना। द गजेट के नाम से उन्होंने परमाणु बनाया, उस परमाणु को बनाया, बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसको हमें ट्राई करके देखना चाहिए। तो ट्राई करने के लिए उन्होंने एक न्यू मैक्सिको सिटी के अंदर ही इसका परीक्षण किया और विस्फोट किया। अब हुआ क्या कि जब ये हुआ तो ये सफल हुआ। 3 हफ्ते के बाद 6 अगस्त 1945 को यूएस ने एक और बनाया और वो था B-29 बॉम्बर।
ठीक है ना, B-29 बॉम्बर जिसे एनोला गे भी कहा गया। ये जो था ये एक और था, दूसरा था। इन्होंने जा और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बनाकर इन्होंने जापानी शहर, जापान के अंदर एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, ये तो सब आप सबने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई होगा कि दो शहर ऐसे कौन से थे जहां पर मतलब परमाणु बम गिराए गए थे। तो एक था जापान, ये जापान के शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना, इस पर परमाणु बम गिराया गया था। बम जो है मतलब जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा के शहर पर, जो हिरोशिमा के शहर पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और जब वो उसे गिराया गया था ना, तो ये देखा गया था कि जो पूरा शहर था वो तहस नहस हो गया था, क्योंकि जो उन्होंने द गजेट बनाया था उससे इन्होंने देखा कि सिर्फ 300 से 500 लोग ही मर पा रहे हैं उसके बाद, और मतलब इतनी तबाही नहीं हो रही है जितनी कि लिटिल बॉय ने की। लिटिल बॉय ने जब लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर ट्राई किया गया दोबारा से बनाकर उसके अंदर और ज़्यादा टेक्निक्स को डाल करके, तब देखा गया कि इसने शहर के, उस शहर के साथ में जो उसके आसपास के एरिए थे उन सबको इसने तबाह कर दिया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी के अगेंस्ट में क्या हुआ, परमाणु बमों को और ज़्यादा यूज़ किया गया। अब मतलब ये उन्होंने क्यों किया, ये सिर्फ उनका दिखाना था कि यस वी आर पावरफुल, हमारे पास पावर है। और परमाणु का यूज ही इसलिए किया जाने लगा था कि लोगों के अंदर डर बैठाया जाए, ठीक है ना, लोगों के अंदर डर बैठाया जा सके, परमाणु का यूज किया जा सके और लोग उनसे डरे, उनपे उनका विरोध ना कर सकें, और इतना मतलब आपका साथ ना दे सकें तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि वो आपके विरोध में भी ना खड़े हों। तो इसलिए उस टाइम पे परमाणु युग का शुरू हुआ, परमाणु युग शुरू हुआ, परमाणुओं का बनाना शुरू हुआ। तो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु का परीक्षण समझो, या परमाणु का जब परमाणु बम उन पर गिराए, तो वो एक रीजन उसमें यही था कि ये दिखा सकें कि इनके पास भी परमाणु बम है और वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं, कहाँ तक वो तबाही मचा सकते हैं। वो एक तरह से अपनी पावर्स को दिखाने की, अपनी क्षमता को दिखाने का एक प्रदर्शन था, ठीक है ना, जिससे युद्ध का जो नेचर है उसमें अलग ही एक चेंज आया, बहुत ही पॉजिटिव। और कह लो कि पॉजिटिव के साथ में उसके साथ इतने इन्हें बेनिफिट्स दिखे कि वो एक ही अलग चेंज आया। मतलब युद्ध की जो प्रकृति थी, जो नेचर था, पहले तीर बाण और इन सबसे युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन अब युद्ध का जो नेचर था वो चेंज ही हो गया था। अब 1945 में जो परमाणु बम का विकास हुआ, उसका पहला प्रयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ही एक नए युग की शुरुआत करता है। 1945 के बाद से ही इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये पहला एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरा इतिहास ही बदलकर एक नया प्रारंभ किया। ठीक है, परमाणु युग इसको कहा जाता है, 1945 से ही इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो परमाणु युग के रूप में कहा जाता है। और विलियम एल लॉरेंस नाम के एक पत्रकार थे, इनके द्वारा ही ये परमाणु वर्ड गढ़ा गया, ठीक है ना। इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और इसी के अंदर पहली बार इस परमाणु हथियार का यूज किया। अब देखो युद्ध की जो विनाशकारी प्रकृति है वो कैसी थी, प्राकृतिक प्रकृति कैसी थी, युद्ध की प्राकृतिक प्रकृति और युद्ध की विनाशकारी प्रकृति। सार्वभौमिक विनाश में सक्षम जो परमाणु हथियार है, सार्वभौमिक विनाश मतलब पूरे विश्व का विनाश में परमाणु हथियार जो होते हैं वो सक्षम होते हैं। तो पूरे विश्व के विनाश में जो परमाणु हथियार है उसके विकास ने, परमाणु हथियारों का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसके विकास ने युद्ध का नेचर ही चेंज कर दिया, युद्ध का नेचर ही चेंज कर दिया, एक तरह से पूरी क्रांति ला दी। परमाणु विस्फोट के दौरान क्या हुआ था, परमाणु विस्फोट के दौरान परमाणु विखंडन, और परमाणु विस्फोट के दौरान में क्या हुआ, जब अमेरिका ने पहला परमाणु विस्फोट किया था तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली जो बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा प्रदान कर रही थी, और वो इतनी ज्यादा थी मात्रा में कि उससे जो शहर थे वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जानवर, ठीक है ना, वहाँ की कह लो जैव विविधता जो थी, जैव विविधता में आपके पेड़ पौधे, आपका इन्वायरमेंट, आपके मतलब एनिमल्स, ये सारी चीजों का विनाश हो गया था।
वो एक हीट की वजह से, बल्कि जो स्थानीय परिवेश और दूर दराज के जो मतलब थे जहाँ पर मनुष्य भी रहते थे उनको भी खतरा हो गया था। इससे हुआ क्या था कि जो मनुष्य वहाँ रहते थे उनको कई प्रकार की बीमारियाँ होने लगी थी, ठीक है ना। उस बीमारी के अंदर जब इन्होंने देखा कि हमारी जो है प्रजातियाँ इससे ख़त्म हो रही हैं, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर एक तरह से जो युद्ध का नेचर था वो चेंज होता दिखा। क्योंकि पहले अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो इंसान या तो सीधा भगवान के पास जाता था या घर पहुंच जाता था, ये दो कंडीशन होती थी, ठीक है ना। उस तरह का वहाँ कोई वैसा विनाश नहीं होता था, सिर्फ यही सारी चीज़ें होती थी कि आपके पास लिमिटेड चीज़ जो होती थी उस लिमिटेड चीज़ से आप लिमिटेड काम ही कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ पर लिमिटेड चीज़ तो है आप पे, लेकिन आप पूरे विश्व को तबाह कर सकते हैं उस परमाणु से। तो उस परमाणु की जो रेडियोधर्मी जो किरणें निकलती थी, और उसमें होता क्या था, जैसे कि आपने मैं आपको मैंने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि मैं आपको इसके मतलब इसी में ही कुछ देर बाद ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये दो टाइप के परमाणु देखे जाते हैं, एक टाइप का नहीं है। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो परमाणु थे ये एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो कि वनस्पतियों के विनाश भी कर रहे थे, जंगली जानवरों का भी विनाश कर रहे थे, मानवों का भी विनाश कर रहे थे, और मानवों को विनाश के साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी उन्होंने उत्पन्न किया था, ठीक है ना। पतझड़, रेडियोधर्मी बादल, पारिस्थितिक क्षति, महासागरों का प्रदूषण, यहाँ तक कि जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन के शिकार भी बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये, क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु है और परमाणु के अंदर गैस है और कितनी सारी चीज़ों से मिलकर वो बनता है, ठीक है ना। हम यहाँ परमाणु की बात करें, और अगर हम सिर्फ एक ही गैस की बात करें, हीलियम की गैस की बात करें, मिथेन की गैस की बात करें, जैसे कि आपने भोपाल की त्रासदी देखी थी, वो जब लीक हो गई थी तो लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा था कि आज तक वहाँ की जो जनरेशन है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आज भी वहाँ पर विकलांग पैदा हो रही है, ठीक है ना। बीमारियाँ वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ जब यहाँ पर हो रही है तो अब आप मतलब आइडिया लगा लीजिए कि परमाणु बम से क्या ही रिएक्शन होता होगा। परमाणु बम में गामा किरणें, गामा जैसी जो किरणें होती थी, अल्फा बीटा गामा आपने सुना होगा, तो गामा जैसी किरणें त्वचा में प्रवेश करती थी, आणविक कोशिका संरचना को प्रभावित करता था, विभिन्न प्रकार के रोग होते थे, और उसमें रोगों में एक नाम था ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक सबसे बड़ा वहाँ पे उस टाइम पे रोग माना गया था, जो कि युद्ध के दौरान या परमाणु परीक्षण के दौरान पर लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगा था। अल्फा और बीटा किरणें जो हैं वो जलने का कारण बनती थी, दूषित भोजन और पानी की वजह से मानव जीव में प्रवेश करके वो नुकसान पहुंचाती थी। परमाणु विस्फोट जो है समताप मंडल में ओजोन जो परत होती है उसकी, उसको नष्ट करता था। ऑब्वियस सी बात है, गैसें हैं तो हमारे पर्यावरण को दूषित करेंगी। जो पृथ्वी पर जीवन को पराबैंगनी विकिरण से बचाने में मदद करता है, विकिरण के संपर्क में आने से अनुवांशिक प्रभाव हो सकते हैं, पूरी मानव जाति के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे बात हो रही थी कि क्या सीन है, मतलब युद्ध की प्रकृति किस तरीके से चेंज हो रही है। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर जब हम परमाणु बम का यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से जिन चीज़ों के लिए हम तैयार नहीं थे या जिन चीज़ों के लिए हमने परमाणु बम तैयार नहीं किया था, हमने वो इफेक्ट भी इसके अंदर देखे। और अब नेचुरल युद्ध की बात करते हैं तो नेचुरल युद्ध में ये सारी बीमारियां और पर्यावरण को दूषित करना, ये सारी चीजें उस टाइम पे इतना देखने को नहीं मिलती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, अमेरिका ने जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार थे और उसके खिलाफ परमाणु जवाबी कार्यवाही का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि अमेरिका अपनी पावर खुद ही बहुत अच्छी रखता था। जर्मनी जब बना रहा था तो जर्मनी से ज़्यादा अमेरिका ने उस टाइम पे प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस किया, और इसीलिए वो अपनी पावर को और गेन करता चला गया। और रीज़न यही रहा कि अगर उसने ये आपका जर्मनी पर, अगर उसने जापान पर अगर उसने ये काम किया है तो वो किसी को भी इसका जवाब दे ही नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया, या कोई इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे कोई यूएनओ जैसी संस्था भी नहीं थी। गार अल्परोविच ये एक थिंकर हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक है एटॉमिक डिप्लोमेसी, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये तर्क दिया कि प्रशांत महासागर में अगर हम बात करें या उसके आसपास के एरिया में बात करें, तो जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट कौन थे,
कम्युनिस्ट थे हिटलर जैसे लोग। इन लोगों ने अपने पैर जमाने के लिए युद्ध में सोवियत संघ को बाहर करने के लिए बमों का प्रयोग किया, ठीक है ना। जापान जो था वो लगभग हार ही गया था और कुछ टाइम बाद आत्मसमर्पण भी उसने कर दिया था। भले ही अमेरिका ने जापान के अगेंस्ट में बमों का प्रयोग ना किया हो, पर बमों का जो प्रयोग था वो युद्ध के अंत में तेजी लाने के लिए किया गया था, क्योंकि यह पुरुष और जो यूज की गई सामग्री है उनके मामले में अमेरिका के लिए बहुत महंगा हो गया था। अब अमेरिका के पास अब नहीं था, वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सब कुछ अपना गवा चुका था। वो ही क्या गवा चुका था, मतलब विश्व के जो विभिन्न देश थे और गुटों में लड़ रहे थे आपस में, वह सभी कुछ ना कुछ गवा चुके थे। ज्यादातर उन लोगों ने अपने आदमियों को गवाया, अपनी सेना को गवाया, यूज किए जाने वाले जो हथियार थे उनको गवाया। उनके पास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीजों की कमी हो गई थी। सबसे ज्यादा आर्थिक चीजें तो उनकी खत्म ही हो गई थी। तो अमेरिका ने जब ये बना ही लिया है तो उसके पास एक ही चीज बचती है, परमाणु बम। उसने कहा कि क्यों ना वैसा करूं, एक फेंकूं और सबको खत्म कर दूं, दूसरा दोबारा आगे आएगा नहीं, आओ कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अमेरिका के लिए बहुत महंगा हो गया था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा हथियारों का और इन सब का यूज करे। तो उसने क्या किया, परमाणु बम का पहला उपयोग किया उसने, और उस बम की विनाशकारी प्रकृति का वहां प्रदर्शन किया कि आओ भाई अब कौन सा आ रहा है, बोल के दिखाओ, देखता हूँ मैं किसको। अब क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, उसके बाद एक तो रिच कंट्री है, पावरफुल भी है, और ऊपर से इसने परमाणु बम भी बना लिए। परमाणु बम एक भी नहीं है, बहुत सारे बम हैं, अभी मैं दिखाऊंगी कि कितने हैं। इस डर से फिर जो चीजें थी वो वहीं धीरे धीरे शांत होने लगी। अब देखो पूर्व वार्षिक आयु में जो युद्ध है उसकी उपयोगिता क्या थी। युद्ध जो है वो हमेशा मानव इतिहास की संपूर्णता में मौजूद रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर आपको अपना विकास करना है, कुछ अचीव करना है, तो पुराने पुराने टाइम में क्या होता था कि युद्ध किया जाता था, किसी चीज को पाने के लिए, पावर को गेन करने के लिए, जगह को एक्वायर करने के लिए, जगह को छीनने के लिए, स्थान पाने के लिए। तो युद्ध जो है वो हमेशा से ही मानव की हिस्ट्री में मौजूद रहा है। युद्ध का जो उपयोग है वो अक्सर राष्ट्रों के द्वारा राष्ट्र के हित को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। उस टाइम पे ये नहीं होता था कि हाँ पावर्स है या कुछ है, उस टाइम पे ज्यादातर ये होता था कि अपने जनसंख्या को, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त किया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए। विभिन्न दार्शनिक हैं और विद्वान हैं जैसे कि कार्ल वॉन है, क्लोजविज, व्लादिमीर लेनिन, निकोलो मैकियावेली, चार्ल्स डार्विन, ये ऐसे विचारक थे, ऐसे विद्वान थे, ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने युद्ध के बारे में बात की, युद्ध के विशेष अधिकार के बारे में बात की, और युद्ध के साथ कैसे आपकी प्रगति होती है, कैसे सत्ता से आप जुड़ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, ठीक है। क्लॉजविज की बात करें तो क्लॉजविज कहते हैं कि युद्ध का जो शास्त्रीय प्रतिपादकों में से युद्ध को हिंसा का एक कार्य बताया। क्लोजविज कहते हैं कि अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध सिर्फ और सिर्फ एक हिंसा करने वाला काम है और कुछ नहीं है, और इसका उद्देश्य होता है कि किसी विरोधी को उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर करना, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के साथ युद्ध से जो संबंधित हैं वे युद्ध को राजनीतिक उद्देश्य के रूप में देखते थे, कि ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक वहां होता है जहां पर आपकी जनता आपके साथ में रहे, आपकी जनता के लिए आप कुछ करें, जहां पर आप सत्ता की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। तो उन्होंने युद्ध को शुरू से ही एक राजनीतिक रूप में देखा। तो उन्होंने कहा कि युद्ध को अपने आप में कोई अंत नहीं माना जा सकता, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन या उपकरण के रूप में हम युद्ध को देखते हैं। क्लोजवीज कहते हैं कि हमारे विरोधियों को अपनी इच्छा से प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना हिंसा का कार्य है। फॉर एग्जाम्पल युद्ध की अगर मतलब जिस तरीके से बात करें, यहाँ हिंसा को हटा दीजिए, मैं आपको सिर्फ ऐसी एक इजीली आपको एक इजीली समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है, या आपके क्लास टीचर हैं, या आपके कॉलेज वाले टीचर हैं, कोई भी हैं,
और आप जानते हैं कि आप जो एग्जाम लिखने वाले हैं उसके मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में हैं, ठीक है? आपकी रिपोर्ट कार्ड या आपका जो रिजल्ट है, मार्किंग है, वो सारे के सारे आपके टीचर्स के हाथ में हैं। तो इट मींस क्या है, यहाँ जो पावर है वो टीचर्स के पास है। तो आप क्या हैं, आप अब ना चाहते हुए भी आप बहुत मजबूर हैं। अगर टीचर ने बोल दिया है कि कल मैं चाहती हूँ, जबकि उनका लेक्चर 9 बजे होता है और मैम ने बोला है कि कल लेक्चर 7 बजे होगा और जो 7 बजे आएगा उसी को ही मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगी, तो आप में से क्या होगा? जो बच्चे 10 बजे उठते हैं सो के, वो सुबह 6 बजे उठेंगे क्योंकि उन्हें मार्क्स चाहिए। और अब वो बहुत ज़्यादा कॉम्पल हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पावर है मैम के पास, वो हमें फेल कर सकती हैं, हमारे नंबर कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी इच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से जाएंगे जबकि आप बहुत मजबूर हैं, अब वो आपको फोर्स नहीं कर रही हैं, उन्होंने तो बस अपनी एक बात कह दी कि ये सारी चीज़ें हैं, जिसे आना हो आ जाना, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रही, सुबह 7 बजे क्लास है, दैट्स इट, जिसे आना हो आ सकता है, मैं उसी को नंबर दूंगी। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इच्छा नहीं होते हुए भी आप अपनी मर्जी से क्लास में जाएंगे, मैम आपको उठाने के लिए नहीं आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात वही बोल रहे हैं कि जो विरोधी है, मतलब आप अपनी मैम को या अपने सर को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उनकी क्लास में जाएंगे, ठीक है? तो वो एक तरह से आपके विरोधी के रूप में हो गए। तो अगर टीचर्स की नज़र से देखें तो आपके जो विरोधी हैं उनको आप अपने विरोधी को ऐसा कर देंगे कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही, अपनी इच्छा से ही वो आपके दरबार में आएगा, मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? तो यही है कि यही हिंसा है, यही युद्ध है, ये क्लोविस बोलते हैं। मैकियावेली की बात करें, मैकियावेली ने सैन्य शक्ति की बात की कि युद्ध के अंदर सैन्य शक्ति की निर्णायक भूमिका होती है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, सैन्य शक्ति ही सब कुछ है। महाभारत सबने देखी होगी, क्वारंटाइन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था जब, उसके अंदर सबने देखी होगी कि श्री कृष्ण एक के साथ थे और सारी सेना एक के साथ थी, उन्होंने कहा था कि सैन्य शक्ति ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो मैकियावेली उसी की बात करते हैं कि जिसके पास सैनिक शक्ति ज़्यादा है वहीं पे जो है युद्ध निर्णायक हो सकता है। मेरे पास 5 लोग हैं, उसके पास 20 लोग हैं, तो हम तो पहले ही खड़े हो लेंगे कि भाई आदमी उसके बहुत पास बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे कि आप बॉर्डर मूवी देख लीजिए, ठीक है ना, सैन्य शक्ति वहाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, झूठ बोलकर दूसरे उस पर भेज दिया कि हाँ वहाँ पता चला वहाँ पे सैन्य संख्या ज़्यादा है जबकि वहाँ पे बहुत लोग कम थे। तो ये सारी चीज़ें कि हाँ एक सैन्य जो शक्ति है, जो आपके सैनिक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी युद्ध की भूमिका को या किसी भी युद्ध को रिजल्ट बताने के लिए। 1960 में नार्वे के एक सांख्यिकीविद थे, उन्होंने बोला कि मानव इतिहास में अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल 14,531 युद्ध हुए हैं, ठीक है? युद्ध को शक्ति, प्रतिष्ठा, क्षेत्र और अन्य संसाधनों में लाभ हासिल करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। युद्ध क्या है, युद्ध शक्ति भी आपको देता है, प्रतिष्ठा देता है, क्षेत्र देता है, संसाधन देता है, इन सब में आपको लाभ देता है, ठीक है? जेम्स टी शॉर्टवेल कहते हैं, जेम्स टी शॉर्टवेल ने अपनी पुस्तक वॉर इन नेशनल पॉलिसी के अंदर बताया कि एक साधन और एक पेरिस में संधि का त्याग के रूप में इन्होंने बोला कि युद्ध जो है वो एक तरह से किसी चीज का त्याग करना है, साधनों का त्याग करना है, संधि करना है, ठीक है ना? राजनीतिक राष्ट्रीय इतिहास के जो अधिकांश महान तथ्य हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने युद्ध के द्वारा ही किसी चीज को प्राप्त किया है। त्याग करना क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर वो बात करें, मुगल पीरियड देख लीजिए, ब्रिटिश पीरियड देख लीजिए, कभी इस साइड कभी इस साइड, पाली कभी इस साइड होती थी कभी इस साइड, इस साइड का मतलब ये नहीं कि ये पूरी पाली ही खत्म हो गई, मतलब इन्होंने समर्पण कर दिया कि ठीक है मतलब हम आपके सामने समर्पित हैं, अब आप हमारी जान बख्श दो, ठीक है ना? क्विंसी राइट थे, क्विंसी राइट ने भी बोला कि युद्ध का प्रयोग जो है किसी देश की विदेश नीति के जो प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक कानून के रूप में किया गया है। आमतौर पर देश जो होते हैं वो क्षेत्रीय समायोजन, राष्ट्रीय एकीकरण, शाही विस्तार
और शक्ति तथा स्पर्श रेखा हितों में वृद्धि के लिए होता है। किस लिए होता है युद्ध? जो समायोजन है, कोऑर्डिनेशन है दो देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में, या एकीकरण के लिए, ठीक है ना, या आपका जो नाम है बहुत ही अच्छे उसमें गिना जाता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ठीक है ना, पावर गेन करने के लिए, अपने हितों में वृद्धि करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही युद्ध को किया जाता है, युद्ध का सहारा लेके किया जाता है, युद्ध को साधन बना के किया जाता है। परमाणु युग में अगर हम बात करें तो कोई भी देश परमाणु बम के आविष्कार की वजह से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु युद्ध का सहारा नहीं ले सकता। जो परमाणु बम के आविष्कार के बारे में लाया गया है, जो प्रकृति में विनाशकारी है, परमाणु बम अब सबने बना लिए हैं, भारत पर है, चाइना पे है, जर्मनी पे है, जापान पे है, सबके पास है, लेकिन यूज कोई नहीं कर सकता। किसी ने उसको यूज करने के लिए नहीं बनाया, सबने उसको सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया, धमकाने के लिए बनाया। और इसीलिए यही रीजन था कि परमाणु बमों के अंदर अब जो है कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि उसके पास 5 है तो मैं तो 8 करूंगा, क्योंकि 5 है तो भाई वो तो 5 बार फेंक सकता है, मेरे पास ज्यादा होने चाहिए, तो इसका कॉम्पिटिशन हो गया था। और कॉम्पिटिशन में हुआ क्या, जीता कौन? अमेरिका और रशिया। कि इन्होंने कितने बनाए हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसी डर से कि हाँ यार परमाणु बम तो उनके पास भी है, इनके पास भी है, कोई फायदा नहीं है, ये हम फेंकेंगे, ये भी फेंकेंगे, सारा पूरा विश्व खत्म हो जाना है, कोई फायदा ही नहीं है, फेंकेंगे तो जो और बम है ना उन पे भी और ज्यादा कुछ ना कुछ हो जाना है। तो परमाणु बम जो है उससे इंसानों का ही नुकसान नहीं होता, मानव की सभ्यता का नुकसान नहीं था, उसने पूरी प्रकृति ही विनाशकारी है, प्रकृति को ही नुकसान हो जाता है, पर्यावरण नुकसान होगा उसमें, आपके जितने भी जैव विविधता है वो सारी खत्म हो जाएगी, इंसान तो खत्म होगा ही होगा। तो इसलिए हर कोई अब परमाणु बम का यूज करने से डरता है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन की अगर उपयोगिता की बात करें तो इसकी दो उपयोगिता मानी जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन की दो उपयोगिता हैं, पहला है एक निरोध के रूप में, ठीक है, निरोध के रूप में राजनीतिक, और दूसरा है राजनयिक। ये दो उपयोगिता हैं, दो इसकी मतलब फीचर्स हैं, पहला है एक राजनीतिक के रूप में, दूसरा है राजनयिक के रूप में। सबसे पहले बात करें तो इन हथियारों का उपयोग परमाणु हथियारों के रूप में किया जाता है। एक प्रतिद्वंद्वी या जो कॉम्पिटिटर है उसको रोकने के लिए परमाणु, मतलब जो परमाणु हथियार है उसका यूज किया जाता है। पूर्व परमाणु युग में, मतलब जब परमाणु नहीं था, तो पूर्व परमाणु युग में ये जो युद्ध हुआ करते थे ना, कभी कभी मतलब विफल हो जाते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन परमाणु युग में क्या हुआ, इसे विफल होने की अनुमति ही नहीं दी गई। अगर युद्ध हो रहा है तो एक पाली जीतेगी, क्यों? क्योंकि अगर परमाणु बम दूसरे पर है तो रिजल्ट परमाणु बम के हाथ में होगा, ठीक है। तो परमाणु युग में इसे फेल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परमाणु हथियारों के विकास ने दो परमाणु देशों के बीच पारस्परिक संघर्षों को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि पहले जो भगदौड़ रहती थी कि नहीं उसके पास 5 है मैं 6 बनाऊं, उसके पास 12 है मैं 13 बनाऊं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको जब उन्हें पता चल गया है कि इससे प्रकृति का विनाश है और इससे कोई फायदा नहीं है, तो लोगों ने अब कंपटीशन खत्म कर दिया, और जिनके पास एक्स्ट्रा थे, बहुत ज्यादा थे, उन्होंने अपने परमाणु बमों को डिस्प्यूज करने की कोशिश की है, कोशिश की है कि हम इसे डिसमिस कर देंगे, हम इन्हें खत्म कर देंगे, ठीक है। केनेथ वॉल्ज की अगर हम बात करें तो केनेथ वॉल्ज कहते हैं कि युद्ध की संभावना इससे कम हो जाती है, क्योंकि परमाणु हथियारों की रक्षात्मक क्षमता युद्ध शुरू करने के लिए ही कठिन हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी एक कंट्री पे एक परमाणु हथियार अगर फेंक रहे हैं और उस कंट्री पे भी हैं, अगर वहां पे सब कुछ विनाशकारी है, तो परमाणु आपने तो देखा ही होगा, पर एक मतलब एक माचिस की तिल्ली पूरी माचिस पे अगर गिर जाए तो क्या होता है, तो ऐसे ही वो सीन होगा और पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो इससे उसका यूज करने वाला भी डरता है कि कहीं इससे
सब मतलब जब सब ही खत्म हो जाएगा तो कांटेक्ट और ये कंपटीशन करेगा किससे, फिर क्या ही करेगा वो अकेला रहकर। तो थोड़ा यहाँ भी है कि इससे जो है कंपटीशन का खत्म हुआ है। परमाणु हथियारों के निवारक के रूप में अलग करने के अलावा गैर परमाणु देशों को परमाणु हथियार और जबरदस्त शक्ति के कारण परमाणु हथियारों का जो अधिग्रहण है उसके लिए प्रेरित किया जाता है। कि मतलब ये अब आज के टाइम में क्या चल रहा है, अब ये चल रहा है राजनयिक उपयोगिता के। पहले था राजनीतिक, राजनीतिक में क्या था कि युद्ध जीतना, ठीक है, संघर्ष को खत्म करना। अब राजनयिक की बात करें तो राजनयिक के अंदर है कि अब परमाणु हथियारों को रोका जाए, उसके प्रसार को रोका जाए, और जिनके पास नहीं है, ठीक है ना, उनको भी इस चीज के लिए प्रेरित किया जाए कि आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें तो शेलिंग एक थिंकर है, विद्वान है। शेलिंग ने कहा है कि परमाणु हथियारों की एक कूटनीतिक उपयोगिता है। कूटनीतिक का मतलब होता है कि आप अपना डर दिखा के या किसी चीज का बेनिफिट बता के या किसी चीज का लॉस बताकर आप अपना काम कर सकते हैं। तो शेलिंग का तर्क है कि परमाणु हथियारों की एक कूटनीतिक उपयोगिता है जो वे अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले उपकरण के रूप में देखती है। मान लीजिए कि आप अगर हम कूटनीति की अगर हम बात करें कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं और आपके दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जिसका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा गैंग में रहता है। गैंग इन द सेंस गुंडागर्दी करने वाला, लड़ाई दंगे करने वाला, उसके पास गन वगैरह भी हैं, पिस्टल हैं, सारी चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो व्यवहार है उसके साथ बहुत ही पोलाइट होगा, आपको डर रहेगा कहीं यार ये मेरे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। आप उससे मतलब उतनी ही बात करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है और उससे आप कांटेक्ट भी रखेंगे कि हमें इससे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि देशों के साथ जब जो परमाणु हथियार है वो एक ऐसी कूटनीतिक उपयोगिता का साधन है जो कि अन्य देशों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इनकी राय में चोट करने मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शक्ति को एक सौदेबाजी या ये कह लो कि बार्गेनिंग कह लो, उसका एक उपकरण है कि थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा सा मेरा, और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। जिनके पास परमाणु हथियार है वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं। परमाणु देश भी कूटनीतिक वार्ता को गति देने के लिए जबरदस्त शक्ति का आनंद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपके उस गैंग वाले दोस्त ने आपसे कह दिया कि भाई आज मेरे को मिलना है और आप कहोगे कि यार रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने कहा ना मिलना है मुझे, अर्जेंट है, 2 मिनट टाइम नहीं तेरे पास, क्या करोगे, नहीं नहीं भाई आ रहा हूँ अभी, टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, या मैं आ रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही परमाणु देश वाले जो होते हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो क्या कहेंगे आपसे, एक बार बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल देखिए, पिछले साल ही अमेरिका ने वैक्सीन मांगी थी, अमेरिका ने भारत से, और कौन सी टोन में मांगी थी, बड़ा ही मतलब एटीट्यूड के साथ और एक डर दिखा के कि फिर देखिएगा अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर आप हमें वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। तो वो ये क्या है, ये उसी टाइप की मैं बात कर रही हूँ कि कूटनीतिक वार्ता को गति प्रदान करते हैं और जबरदस्त शक्ति को वो अपना यूज भी करते हैं, डर बनाते हैं। ये परमाणु जो शक्तियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं और राजनयिक वार्ता में ऊपरी हाथ रखती हैं। इस कारण से अधिकांश देश जो है परमाणु हथियारों को शक्ति की मुद्रा में देखते हैं, ठीक है, और इन्हें अधिग्रहित या इनको लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए परमाणु हथियारों की एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक उपयोगिता है जो राज्यों को उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अब परमाणु प्रसार, जो कि हम बता रही थी कि कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, हर बार जब कोई राज्य अपने मुख्य कॉम्पिटिटर के सामने, प्रतिद्वंदी के सामने या प्रतिद्वंदी के विरोध में परमाणु हथियारों का स्थिर विकसित करता है, परमाणु हथियारों को विकसित करता है, तो ये क्षेत्र जो है दूसरे राज्य के लिए एक परमाणु खतरा पैदा करता है, ठीक है।
आप अपने घर में मतलब पिस्टल लाकर रख लें तो सामने वाले की हवा तो वैसे ही टाइट हो जाएगी कि भाई इनसे पंगा मत लेना, ये अपने घर में मतलब ऐसी ऐसी चीजें रखते हैं, मार मोड़ दिया ना तुम्हारा तो हो गया काम, तो ऐसे ही सामने वाले को डर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि अगर एक राज्य मतलब परमाणु हथियारों को विकसित करने लग जाता है, बनाने लग जाता है, तो दूसरा राज्य उससे ऑटोमेटिकली डर खाने लगता है, खौफ खा जाता है, जिसे तब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करना पड़ता है। और उसी डर से आप भी कहेंगे अरे टेंशन मत लेते, मैं भी मतलब देखता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ जुगाड़, ऐसे थोड़ी डर के रह सकते हैं, हम भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर दूसरा देश जो है वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो भी फिर उसका निर्माण करने लग जाता है। इस दृष्टिकोण से हम परमाणु प्रसार के इतिहास को एक रणनीतिक श्रृंखला के रूप में देखते हैं कि हाँ एक रणनीति के रूप में, एक प्लानिंग के रूप में ये सारी चीजें तैयार होती हैं। अमेरिकी नीति निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय संबंध विद्वानों का कहना है कि राज्य जो है परमाणु हथियारों की तलाश करेंगे जब वे सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, ठीक है, जो वैकल्पिक साधनों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अगर वे इस तरह के खतरे का सामना नहीं करते हैं तो वे स्वेच्छा से गैर परमाणु राज्य भी बने रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जिन राज्य के पास परमाणु हथियार हैं और जिन पे नहीं है वो इस चीज को तलाश करेंगे ताकि सुरक्षा उनकी बनी रहे और खतरा उनके ऊपर ना मंडराए। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो तब भी गैर परमाणु राज्य बने रहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह तथ्य है कि अमेरिका ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जर्मनी के परमाणु अनुसंधान के जवाब में विकसित किया था, ठीक है, जो 1941 से 1942 में अमेरिका से बहुत आगे था। जर्मनी की बात हो रही है, ये दर्शाता है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि जर्मनी पहला एक ऐसा देश बने जिसने पहली बार बम को बनाया, जैसा कि उसके पास होगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत खतरनाक था कि जर्मनी जैसा देश कोई बम बना ले। अमेरिकी बम को पूरी तरह से गोपनीयता में विकसित किया गया। फिर क्या हुआ कि रूजवेल्ट उस टाइम पे आए थे और जब रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति बने तो ये देख लीजिए कि रूजवेल्ट तब को भनक नहीं लगने देती कि अमेरिका बम का निर्माण कर रहा है। जब उन्होंने गद्दी संभाल ली, कुर्सी संभाल ली, पेपर्स पे सिग्नेचर हो गए, वो पूरी तरीके से आ गए, तब उनको ये पता लगा कि यहाँ पर बम बनाया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को राष्ट्रपति के पद संभालने के बाद ही इसके बारे में सूचित किया गया था। 1945 में परमाणु हथियारों को मानव जाति के लिए खतरा माना जाता था, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने अपनी पावर को शो कर दिया था। इसलिए प्रसार उसी तर्क के माध्यम से जारी रहा जिसके द्वारा अमेरिका को जर्मनी के जवाब में अपने परमाणु बम बनाने की आवश्यकता थी। यूएसएसआर ने अमेरिका के विरोध में, अमेरिका के अगेंस्ट में, अमेरिका के खिलाफ में एक विश्वसनीय प्रतिशोधी क्षमता रखने के लिए परमाणु क्षमता का अधिग्रहण किया। मतलब अब यूएसएसआर ने भी कर लिया भाई कि अमेरिका पावरफुल बन रहा है और वो भी परमाणु बम के साथ, हम भी बना लेते हैं, उन्होंने भी बनाया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश परमाणु यूएसएसआर से खतरे के जवाब में परमाणु हथियार हासिल करते हैं। अब जी ग्रेट ब्रिटेन भी तरह है और फ्रांस जैसे जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भी अब यूएसएसआर के डर की वजह से उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनका ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोपीय देश जो थे इनका डर था यूएसएसआर से, यूएसएसआर का डर था अमेरिका से, अमेरिका का डर था जर्मनी से, ठीक है। और भारत और भारत के जो परमाणुकरण मतलब परमाणु हथियारों के साथ उत्पन्न होने का जो काम है उसके जवाब में पाकिस्तान, और उसके बाद भारत ने बनाया और भारत से डर की वजह से बनाया पाकिस्तान ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि प्रसार दो प्रकार के होते हैं, परमाणु प्रसार कौन कौन से हैं, पहला है क्षैतिज प्रसार और दूसरा है कार्य क्षेत्र प्रसार, क्षैतिज प्रसार की अगर हम बात करें तो क्षैतिज प्रसार का मतलब है एक राष्ट्र राज्य या गैर राज्य संस्थाओं के पास परमाणु हथियार नहीं है। क्षैतिज प्रसार का मतलब है कि एक देश के पास में परमाणु हथियार नहीं है लेकिन वे परमाणु हथियार प्राप्त कर रहे हैं, बना रहे हैं या उन्हें उत्पादित करने की क्षमता और उसकी सामग्री को विकसित कर रहे हैं।
वहीं कार्य क्षेत्र प्रसार की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र प्रसार का मतलब है कि राष्ट्र राज्य जिनके पास परमाणु हथियार है वे इन हथियार के भंडार को बढ़ा रहे हैं, अपने हथियारों की तकनीकी को बढ़ा रहे हैं, परिष्कार बढ़ा रहे हैं, विश्वसनीयता में सुधार कर रहे हैं, हथियारों का विकास कर रहे हैं। तो दो है, एक है क्षेत्रीय प्रसार, दूसरा है कार्य क्षेत्र। क्षेत्रीय प्रसार वो है जिनके पास अभी तक कोई बॉम्ब नहीं है, अभी तक कोई परमाणु नहीं है, अब वो उस चीज को बना रहे हैं। और कार्य क्षेत्र प्रसार का मतलब है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है, बॉम्ब है, परमाणु प्रसार है, अब वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब कि चीजों के अंदर मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं परमाणुओं की, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ठीक है, एक पर है, दूसरे पे नहीं है, एक पर है तो वो बना रहा है, जिसपे ऑलरेडी है वो उसकी संख्या बढ़ा रहा है। देखिए कैसे, आप इस मैप में देखिए, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 2019 के अंदर जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसके अंदर देखें तो सबसे ज्यादा, अगर पूरे विश्व में देखा जाता है तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर सिर्फ रशिया और यूएस, इन दो ही देशों के पास में परमाणु हथियार है। यूएस के पास में 6,185 और रशिया ने तो उससे ज्यादा ही बना लिए, 6,490, भाई 10 और बना लेते ठीक है तो 6,500 हो जाते। यूके की बात करें तो 200 है, फ्रांस के पास 300 है, इसराइल पे 90 है, इंडिया पे 140 है, और अमेरिका तो उससे ज्यादा ही आगे निको सॉरी पाकिस्तान उससे आगे है, तुम पे हम 20 ज्यादा बनाते हैं, उस पे 160 है, चाइना पे 290 है और नॉर्थ कोरिया पे है 30, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बनाए गए हैं, लेकिन फिर थोड़े से बात की गई और कहा कि ठीक है, हम अपने जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं और जो नहीं होने चाहिए हम उनको डिसमिस करने की कोशिश करेंगे। टोटल देखा जाता है कि 14,000 के आसपास हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं पूरे विश्व में। 90% रशिया और अमेरिका के पास है पूरे विश्व का, 90%, 90% विश्व का अमेरिका और रशिया के पास है, ठीक है। अब देखिए जरा, न्यूक्लियर जो आपकी रैंक है उसके अंदर अगर हम बात करें, बाद में मतलब सीटीबीटी और एनटीपी, एनपीटी और ये सारी चीजें भी आई हैं, इसके ऊपर सिग्नेचर करना होता है कि हाँ अब हम कोई हथियार नहीं बनाएंगे और बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये है वो है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले 1968 में मतलब 1962 के 65 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसके बाद में लोगों को थोड़ी अक्ल आई और 1968 के अंदर एनपीटी बनाया गया, फिर साल्ट बनाया गया 1972 में। ये सारे वो हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एनपीटी आया 1968 में, साल्ट आया 1972 में, साल्ट 2 आया 1979 में, ठीक है। उसके बाद INF आया 1987, फिर स्टार्ट आया 1991, फिर स्टार्ट 2 आया 1993, फिर स्टार्ट आया 2002 और न्यू स्टार्ट आया 2010, ठीक है। और मतलब ये भी है कि कहते हैं कि लीबिया, ईरान और सीरिया इनके पास शायद नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं, कुछ होगा बट इन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है। अब देखिए परमाणु आतंकवाद, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात किया टेररिज्म के बारे में, तो हम यहाँ पर परमाणु आतंकवाद की बात करते हैं, आप इसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं, शायद मैंने बताया भी होगा। परमाणु आतंकवाद क्या है, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लोगों के ऊपर किस तरीके से युद्ध होता है। परमाणु हथियार या सामग्रियों का जमा करना, अधिग्रहण करना और उन्हें गैर राज्य संस्थाओं के द्वारा उत्पादित करना, ठीक है। गैर राज्य जो जो कि मतलब आपको नुकसान पहुंचाते हैं, गैर राज्य जिनका कोई नामो निशान नहीं है लेकिन फिर भी उनका डर आप में बना हुआ है, वही आतंकवाद है। तो गैर राज्य संस्थाओं के द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है, ठीक है ना, और इसका उपयोग करके लोगों को मृत्यु, चोट, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जाती है, वही है परमाणु आतंकवाद। परमाणु आतंकवाद के विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे कि गैर राज्य संस्थाओं के द्वारा परमाणु हथियारों को जमा करना, गैर राज्य संस्थाओं के द्वारा परमाणु हथियारों का उत्पादन, ठीक है ना।
उत्पादन हो गया, उसके बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र या अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के वजह से क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थों की बड़े पैमाने पे मतलब वो निकल सकते हैं, लोगों को बीमारियां प्रोवाइड कर सकते हैं बिना उसके, और रेडियोधर्मी जो युक्त हमले होते हैं वो गंदे बम की वजह से ही होते हैं, ठीक है ना, उनके जो विस्फोटक होते हैं उस वजह से एक इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो बम कहते हैं, जब बम विस्फोट होता है तो उसके अंदर से एक ऐसा छल्ला बादल में बना रहता है कि करीब वो 6-6 महीने तक वो बना रहता है, ठीक है ना, उसकी धुंध खत्म नहीं होती है, और जब धुंध खत्म नहीं होती तो ऊपर की ना तो रोशनी नीचे आती है ना नीचे कुछ ऊपर जाता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। देखो जो अभी तक डिस्कस किया गया है तो उसमें कुछ जो एग्रीमेंट हुए हैं, एनपीटी, सीटीबीटी, आईएनएफ, स्टार्ट, सॉट, आईया, आईएए, ठीक है ना, पीएसआई, न्यूक्लियर वेपन्स, और NWFZ। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, एनपीटी की अगर हम बात करते हैं तो एनपीटी में क्या है कि इसमें परमाणु क्षमता का प्रयोग जो होगा वो शांतिपूर्ण होगा, परमाणु प्रसार को बढ़ावा देना, जो परमाणु अप्रसार है उसी को बढ़ावा देना, मतलब परमाणु बम ना बनाए, ठीक है ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। एनपीटी का क्या है कि अगर आप परमाणु क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, परमाणु का प्रयोग कम से कम हो, मतलब जो अप्रसार, जो प्रसार हो रहा है उसको रोकना, परमाणु प्रसार को रोकना, या ये कह लो परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों को समाप्त करना, ये एनपीटी का था और ये 1968 में आया था। उसके बाद हम बात करें तो स्टार्ट को देखते हैं हम, स्टार्ट का क्या था, स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1972 में आया था ये, और इसका ये कहना था कि जो सामरिक हथियार हैं उनको सीमित किया जाए, इसके ऊपर एक समझौता किया गया था, और अमेरिका के पास 30,000 परमाणु हथियार थे, और 1980 तक सोवियत संघ के पास परमाणु हथियारों की संख्या 40,000 हो गई थी, ठीक है, सामरिक हथियारों को सीमित करने के लिए ये जो है आपका सल्ट आया था, और पर ये उस टाइम पे लागू नहीं हो सका था क्योंकि इन लोगों ने इससे एग्री नहीं किया था, तो ये जो है ये फेल हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट की, स्टार्ट क्या था, ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था 1985 में, और परमाणु हथियारों की कटौती के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, शीत युद्ध जब हुआ था तो उसमें ये पहला समझौता था स्टार्ट फर्स्ट का, ठीक है ना, इसमें क्या था कि महाशक्तियाँ जो सोवियत संघ और अमेरिका है उन्होंने अपनी सामरिक हथियारों में 30% की कटौती तक की बात की, ठीक है, तो ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर 30% जो है आपको परमाणु हथियारों के अंदर कटौती करनी होगी, इसके ऊपर इसमें डिस्कस किया गया था। स्टार्ट टू की बात करें तो इसके अंदर दोनों महाशक्तियाँ को अपने परमाणु हथियारों की संख्या 3,000 से 3,500 तक ही करनी होगी, और बाकी जो उनके पास एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि अमेरिका पे 6,185 और यूएस रशिया के पास 6,490, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्टार्ट टू आया था तो उन्होंने कहा कि अब आपको एग्रीमेंट जो किया है अमेरिका और या जो भी हो जिसके पास भी ज़्यादा संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3,000 से 3,500 ही अपने पास रख सकते हैं, और जैविक हथियारों की कटौती का इन्होंने इसमें समझौता किया था। उसके बाद और कौन सा है इसमें, सीटीबीटी की बात करें तो सीटीबीटी है, इसमें कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कभी भी कभी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, परमाणु परीक्षण का मतलब है कि परमाणु बनाकर उसका यूज नहीं कर सकता। भारत में परमाणु परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है ना, तो कोई भी राज्य कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, और कोई भी देश परमाणु परीक्षण के संबंध में अन्य देशों का समर्थन नहीं करेगा। संधि लागू करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र या मॉनिटरी केंद्र, इन सबको मतलब स्थापित किया जाएगा ताकि वो ध्यान रखे कहाँ क्या हो रहा है। सीटीबीटी को अनिश्चित
काल तक के लिए लागू किया गया, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई, कोई टाइम नहीं रखा गया, ये फॉरएवर कर दिया गया। और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। CTBT लागू करने के लिए 180 दिन के अंदर 44 राज्यों ने इस पर साइन किए, ठीक है। और पर ऐसे थे वे देश जिन्होंने CTBT पर साइन किए पर उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि सच में हुए हैं नहीं हुए, वो हैं अमेरिका, चाइना, इसराइल, उत्तर कोरिया, मिस्र, ईरान। इन लोगों ने अभी तक पुष्टि नहीं दी है कि ये लोग इस पे साइन करेंगे नहीं करेंगे, कि हाँ मतलब ख़त्म करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। भारत और पाकिस्तान ने इसी वजह से कि इन लोगों ने तो साइन किए नहीं तो हम कैसे कर दें, तो इसी वजह से भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर साइन अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। और क्या है आपका इसके अंदर? INF देखिए, 1987 में आया था। INF का क्या था कि ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। ज़्यादातर जितने भी हुए हैं वो सारे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही हुए हैं, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो तो इनका साथ निभाने वाले मित्र हैं, ठीक है। इन दोनों के देश में हुआ था और इन दोनों ने समझौता किया था, ठीक है ना। तो ये भी यही था कि परंपरागत जो हथियार हैं उसके निर्यात और दोहरे तकनीक के इस्तेमाल को रोकना है, इसके ऊपर इनका ये था, ठीक है ना। इन्होंने जो अपना क्या कहते हैं, अपना ये जो इन्होंने समझौता किया था, ठीक है ना, जो ट्रीटी की थी वो इसी के बेस पे की थी कि जो ये हथियार हैं, जो उसका प्रसार है, उसको कम किया जाए। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और आते हैं, हाँ, तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है सो यू कैन आस्क, अदरवाइज लास्ट हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज आपका एक टॉपिक हो गया है परमाणु हथियार वाला, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए।